Hello students, welcome to initiation of physics. Imagine, invent, inspire. Let's start it. सेकेंड डिफेक्ट है हमारे पास, जो सेकेंड डिफेक्ट यहाँ पे आने वाला है हमारे पास, सेकेंड डिफेक्ट है हमारे पास हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया को जैसे हम बोल सकते, जैसे हमने मायोपिया को नियर साइडनेस बोला था, उसी तरह से हम हाइपरमेट्रोपिया को बोलेंगे फार साइडनेस। फार साइडनेस इसका मतलब ये होगा कि फार के ऑब्जेक्ट हमें दिखने वाले है, लेकिन जो पास वाले ऑब्जेक्ट है वो हमें दिखने नहीं वाले है। इसका मतलब ये हुआ, द पर्सन विथ हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट कैन सी फार अवे ऑब्जेक्ट, दूर के ऑब्जेक्ट देख सकता है, लेकिन द पर्सन cannot see near by object, near by object वो पास वाले ऑब्जेक्ट नहीं देख सकता, ठीक है ना। अभी पास वाले ऑब्जेक्ट नहीं देख सकता, तो पिछले केस में हमने देखा था थ्री डायग्राम, उसी हिसाब से हम थ्री डायग्राम निकालेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये क्यों होता है हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया क्यों हो रहा था, क्योंकि जो कर्वेचर है वो बढ़ रहा था, ठीक है ना। तो यहाँ पे कर्वेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब मिनिमम कर्वेचर ऑफ आई लेंस। और यहाँ पे जो था वो डिस्टेंस बिटवीन आई लेंस और जो यहाँ पे रेटिना का डिस्टेंस बढ़ रहा था, तो कॉन्ट्रेक्शन ऑफ आई बॉल, यहाँ पे रेटिना का डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब जब इमेज फॉर्म हो रही थी बिफोर हो रही थी, वो क्या हो जाएगी, आफ्टर हो जाएगी। अभी देखिए यहाँ पे नियर बाय ऑब्जेक्ट है, ठीक है, नियर बाय ऑब्जेक्ट फॉल हो रहा है, तो यहाँ पे सेंटर वाला डिस्टेंस जो हो रहा था वो क्या हो रहा था, थिक हो रहा था, ठीक है ना। तो यहाँ पे सेंटर वाला क्या हो जाएगा, थिन हो जाएगा। मतलब इसका मतलब ये हो जाएगा कन्वर्जिंग पावर ऑफ जो है इसकी वो कम हो जाएगी, मतलब कन्वर्जिंग पावर ऑफ लेंस डिक्रीजेस, जल्दी कन्वर्ज नहीं कर पाएगा। अगर जल्दी कन्वर्ज नहीं कर पाएगा तो वो आगे चले जाएगा, इमेज क्या हो जाएगी, आगे चले जाएगी। ये नॉर्मल आई है, तो नॉर्मल आई का सीधा सीधा क्या हो जाएगा, रेटिना पे फॉर्म हो जाएगा। लेकिन अगर वही डिफेक्ट है तो वो क्या हो जाएगा, कन्वर्ज पहले नहीं कर पाएगा, क्योंकि कन्वर्जिंग पावर क्या हो गई इसकी, कम हो गई। तो ये थोड़ा दूर चला जाएगा, और दूर जाने के बाद क्या हो जाएगा, आफ्टर द रेटिना, मतलब इसका ये हो गया कि जो इनर पार्ट है वो थिन हो रहा है, द इनर पार्ट या फिर सेंटर पार्ट, और इसे बोल सकते हैं हम सेंटर पार्ट ऑफ लेंस क्या हो जाएगा यहाँ पे, थिन। सेंटर क्या पार्ट हो जा रहा है यहाँ पे, थिन हो रहा है। तो इस कन्वर्जिंग पावर कम हो रही है, सेंटर पार्ट थिन हो रहा है। अगर सेंटर पार्ट थिन हो रहा है तो सिलेरी मसल्स क्या हो जाएगी, पहले इसमें क्या हो रहा था, कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी सिलेरी मसल, यहाँ पे क्या हो जाएगी, सिलेरी मसल्स गेट्स रिलैक्स्ड, सिलेरी मसल्स गेट्स रिलैक्स्ड, उसके उल्टा, ठीक है ना, रिलैक्स हो गई सिलेरी मसल्स। अब सिलेरी मसल्स अगर रिलैक्स हो रही है, कन्वर्जिंग पावर अगर कम हो रही है, तो हमें यहाँ पे कौन सा लेंस यूज करना पड़ेगा, कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि यहाँ पे पावर उसकी बढ़ानी है। तो हमें इसको डिफेक्ट को अगर ठीक करना है, वी यूज विच टाइप ऑफ लेंस, कॉन्वेक्स लेंस टू करेक्ट दिस डिफेक्ट। इस डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे। कौन सा लेंस को यूज करेंगे, कॉन्वेक्स। और जो इमेज फॉर्म हो रही है तो वो क्या हो रही है, बिहाइंड द रेटिना, इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द रेटिना। तो हम अगर कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे तो वो कन्वर्ज करेगा राइट को, ठीक है ना, और लाइट को कन्वर्ज करके फिर जो इमेज फॉर्म होगी वो रेटिना पे इमेज फॉर्म होने वाली है। तो यहाँ पे कौन सा लेंस यूज करेंगे हम, कॉन्वेक्स लेंस। पिछली बार हमने कौन सा किया था, कॉनकेव लेंस। इस तरह से हम इमेज फॉर्म कहाँ हो रही है, बिहाइंड द रेटिना, वहां पे कहाँ फॉर्म हो रहे थे,
बिफोर द रेटिना, ठीक है, नॉर्मल आई विद डिफेक्ट विदाउट डिफेक्ट। और यहाँ पे जो कन्वर्जिंग पावर है वो डिक्रीज हो रही है, लेकिन मायोपिया में कन्वर्जिंग पावर क्या होती है, इंक्रीज होती है। यहाँ पे इनर पार्ट जो है वो थिन हो रहा है, लेकिन मायोपिया में इनर पार्ट क्या होता है, थिक होता है। यहाँ पे सिलेरी मसल्स क्या हो रही है, रिलैक्स हो रही है, लेकिन वहाँ पे मायोपिया में सिलेरी मसल्स क्या हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से मिडिल पार्ट थिक होता है। और यहाँ पे हम कौन सा लेंस यूज करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस, और यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं तो मायोपिया में हम कौन सा यूज करते हैं, कॉनकेव। तो कॉन्वेक्स लेंस पॉजिटिव रहता है, तो यहाँ पे जो पावर रहेगा वो क्या रहेगा, पॉजिटिव। अभी थर्ड हमारे पास डिफेक्ट है प्रेस बायोपिया। ये प्रेस बायोपिया ना मायोपिया पे डिपेंड करता है ना हाइपरमेट्रोपिया पे डिपेंड करता है। मतलब हाइपरमेट्रोपिया है ना पास वाला दिखता है, मायोपिया पास वाला दिखता है, दूर वाला दिखता नहीं है। लेकिन यहाँ पे दूर वाला दिखता है लेकिन पास वाला दिखता नहीं है। लेकिन ये इस तरह से नहीं है। प्रेस बायोपिया क्या है कि एजिंग के अनुसार, मतलब जैसे जैसे आदमी बूढ़ा हो जाता है तो उसकी वजह से जो डिफेक्ट होता है तो उसे हम बोलते हैं प्रेस बायोपिया डिफेक्ट। तो सिलेरी मसल्स क्या होता है, उसकी वीकनेस हो जाती है, जो आई के लेंस के ऊपर जो लगे हुए मसल्स है ना वो वीक हो जाती है, और फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ लेंस भी क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है कि ये प्रेस बायोपिया डिफेक्ट होता है। लेकिन इस बायोपिया डिफेक्ट को हम करेक्ट करने के लिए हम दो यहां पे दो क्या करते हैं, दो लेंस यूज करते हैं, एक कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। ये स्पेक्स मान लीजिए कि एक स्पेक्स है, ठीक है ना, एक स्पेक्स है इस तरह से। तो इस स्पेक्स को क्या करेंगे, ऊपर वाला जो पार्ट रहता है वो कॉनकेव से बना होता है और नीचे वाला क्या पार्ट जो रहता है वो कॉन्वेक्स से बना होता है। मतलब अगर हम ऊपर से देखेंगे दूर वाला ऑब्जेक्ट और नीचे से देखेंगे तो पास वाला ऑब्जेक्ट हमें दिखेगा। मतलब ये रिकमेंडेशन करते हैं डॉक्टर लोग, और ये बिकॉज ऑफ एजिंग, जैसे बूढ़ा बूढ़ा हो जाता है ना आदमी, उसी वजह से होने वाला डिफेक्ट है। कोई डिपेंड करेगा कि किसको पास वाला, अगर ऐसे भी हो सकता है कि समटाइम्स के पास वाला ऑब्जेक्ट दिख जाए लेकिन दूर वाला ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा। मतलब यहाँ पे मायोपिया भी हो सकता है, हाइपरमेट्रोपिया भी हो सकता है, और दोनों एक साथ भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि एक साथ हो, फिर या फिर एक हो या फिर दूसरा हो या फिर दोनों भी एक साथ हो सकते हैं, और बिकॉज ऑफ एजिंग होता है। थैंक यू। थोड़ा रिविजन कर लेते हैं और हम पढ़ लेते हैं कि मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया में डिफरेंस क्या है। आपको एक एक अगर पता चल गया मायोपिया, तो आप हाइपरमेट्रोपिया के बारे में लिख सकते हैं वो किस तरह से, ठीक है। मायोपिया में क्या होता है कि पास वाले ऑब्जेक्ट दिखते हैं, दूर वाले ऑब्जेक्ट नहीं दिखते। मतलब कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट, ठीक है, और एक कैन सी फार अवे ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, एक आ गया दूसरा आ गया। ये कैन नॉट सी, कौन से ऑब्जेक्ट नहीं देखते, दूर के ऑब्जेक्ट देख नहीं सकते। तो कैन नॉट सी फार अवे ऑब्जेक्ट, तो यहां पे क्या हो जाएगा, कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे पास वाले ऑब्जेक्ट देख सकते हैं, दूर वाले ऑब्जेक्ट नहीं देख सकते। यहाँ पे दूर वाले ऑब्जेक्ट देख सकते हैं लेकिन पास वाले ऑब्जेक्ट नहीं देख सकते। अभी डायग्राम याद कर लीजिए, डायग्राम में क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर आप डायग्राम अच्छे से देखेंगे, आपने देखा होगा, तो यहाँ पे जो है वो इनर पार्ट जो है वो थिक हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम द सेंटर पार्ट ऑफ लेंस becomes thick। यहां पे क्या हो रहा है, सेंटर पार्ट जो हो रहा है वो थिन हो रहा है। तो सेंटर पार्ट ऑफ लेंस becomes thick, ठीक है ना। अभी ये थिक हो रहा है, ये थिन हो रहा है, मतलब इसका मतलब ये हो रहा है कि ये थिक होने की वजह से इसकी पावर जो हो रही है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है, और इसकी जो पावर हो रही है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। मतलब कौन सी पावर, कन्वर्जिंग पावर, कन्वर्जिंग पावर इंक्रीजेस। और यहां पे क्या हो रहा है, कन्वर्जिंग पावर डिक्रीजेस। अब यहाँ पे कन्वर्जिंग पावर इंक्रीज हो रहा है तो मतलब जल्दी करेगा, और जल्दी करेगा तो क्या हो जाएगा, हाँ, रेटिना से पहले आ जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे इमेज इज फॉर्म बिफोर रेटिना,
रेटिना से पहले आ जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगी, इमेज जो हो जाएगी क्या हो जाएगी, रेटिना से दूर चली जाएगी, कन्वर्ज करने की पावर नहीं है उसमें तो छोड़ देगा, तो वो रेटिना से दूर चली जाएगी। तो इमेज इज फॉर्म बियॉन्ड रेटिना, इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड रेटिना, ठीक है ना। तो अभी पॉइंट है कि क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, तो क्यों होता है, तो ऑकर्स ड्यू टू, ठीक है ना। ये क्यों हो रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो डिस्टेंस है दोनों का बढ़ रहा है, मतलब क्या हो रहा है कि आई आई का डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस क्या होता है, बढ़ जाता है ना। तो यहाँ फिर आई का लेंस बढ़ जाता है और फिर यहाँ पे क्या करती है, लेंस क्या करती है, उसको कॉन्ट्रैक्ट करती है, सिलियर मसल्स क्या करती है, लेंस को कॉन्ट्रैक्ट करती है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको, कैसे लिख सकते हैं कि सिलियर मसल्स गेट्स कॉन्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सिलियरी मसल्स गेट्स क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट, और आई की साइज क्या हो रही है, यहाँ पे बढ़ रही है। तो यहाँ पे ऑकर्स उसके उल्टा हो जाएगा, ऑकर्स यहाँ पे ऑकर्स क्यों हो रहा है, यहाँ पे ऑकर्स ड्यू टू, तो यहाँ पे सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे सिलियरी मसल्स क्या हो जाएगी, रिलैक्स, सिलियरी मसल्स गेट्स रिलैक्स्ड, ठीक है ना। और यहाँ पे सेकंड क्या हो जाएगा, आई बॉल जो कन्वर्जिंग पावर इंक्रीज करने के लिए हम कौन सा लेंस यूज करेंगे, यहाँ पे कॉनवेक्स लेंस यूज करेंगे। अभी कॉनकेव लेंस करेंगे तो यहाँ पे जो पावर रहने वाली है वो क्या रह जाएगी, यहाँ पे निगेटिव, और यहाँ पे पावर क्या हो जाएगी, यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है। इस तरह से हमने डिफरेंस देख लिया, एक पॉइंट दूसरे पॉइंट पे डिपेंड करता है। मायोपिया अगर आपको हो गया तो अपन हाइपरमेट्रोपिया इजीली लिख सकते हैं। थैंक यू।